बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक कंपनी है जो अपने आप को नेटवर्किंग कंपनी कहती है, और वो ये कहते हैं कि हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। और बेसिकली इस कंपनी के लिए ये वीडियो बनाई है, बनाना चाह रहा हूँ कि ये अभी पाकिस्तान में इन्होंने प्रॉपर काम शुरू कर दिया है, और B4U के जितने बड़े लीडर्स थे उन्होंने उनको कैप्चर किया और उनसे भी काम वगैरह शुरू करवा दिए। तो इस कंपनी की सिर्फ जो डिटेल्स में सारी चीज़ें हैं वो तो आपको दो तीन दिनों बाद मैं वीडियो बना के सारी चीज़ बता दूंगा कि कैसे इलीगल काम कर रही है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है ये कंपनी। लेकिन फ़िलहाल दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये कहते हैं कि कंपनी जो है ना 5 साल हो गए इसको बने हुए और 129 ममालिक में काम कर रही है। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये कंपनी जो है रिसेंटली 1 साल हो गया बने हुए, और जितने भी इनको अवार्ड्स मिले हैं अभी तक जो इन्होंने शो किए हैं वो इस कंपनी के बनने से पहले के उन्होंने शो किए हुए हैं। और ये शो करते हैं कि ये कंपनी 5 साल से पुरानी काम कर रही है, ये बिल्कुल झूठ है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये लोग बीच में कह रहे थे कि जो है ना हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग पे काम करते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बेसिकली ज़रूरत ये होता है कि आपके जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है आपका लाइसेंस होता है, जिसको ब्रोकरेज लाइसेंस बोलते हैं। और ब्रोकरेज लाइसेंस इसके पास बिल्कुल नहीं है, और जस्ट ये इन्वेस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और लोगों के साथ पैसा उठा के और इन्वेस्ट करके और लोगों को 12% का प्रॉफिट दे के ग्रैब कर रहे हैं लोगों से पैसे, और इसका एंड फिर यही होना है। और इसमें जो इसके किरदार हैं, इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या इसके और जो करते धरते हैं, वो पहले जो पुरानी कंपनीज हैं दो उनको मर्ज करके ये कंपनी बनाई गई है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो पुरानी कंपनीज में जो ऑनर्स काम कर रहे थे वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, और जर्मनी में उनके ऊपर केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो अभी यही लोग पाकिस्तान में अब काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो लिहाजा आपने वेल्डर्स कंपनी में बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक किस्म है, और आप ना सिर्फ अपने मुल्क का पैसा बाहर भेजेंगे और उसकी वजह से हमारे मुल्क को नुकसान होगा, बल्कि उसके साथ साथ आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो इसके अलावा और चीज़ें हैं जो इसके बारे में हैं, वो भी आपको बताऊंगा आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा, प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि किस तरह ये कौम के साथ फ्रॉड, हमारे अवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और इसका जो ऑनर है वो इंडियन है, ऑनर इसका इंडियन बैठा हुआ है, और ये सारा पैसा इंडिया में जाएगा और फिर यही पैसा हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होगा। तो लिहाजा इस कंपनी में आपने कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। और दूसरी चीज़ एक और मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता चलूँ कि वेल्डर्स कंपनी बेसिकली जो है ना वेबसाइट बेस्ड कंपनी है। ये वेबसाइट है जो आज से 1-1.5 साल पहले बनी है, और उस वेबसाइट के ऊपर काम हो रहा है, फिर उसकी प्रमोशन हुई है, और अब लोगों को ये अट्रैक्टिव पैकेजेस दे के उनको अपनी तरफ कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें, उसके इन टच रहें, और 2 से 3 दिनों के अंदर जितनी भी हकायक हैं इस कंपनी के बारे में वो सारे आपको प्रूफ के साथ दूंगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।